मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की ब्रज क्षेत्र कार्य समिति की हुई बैठक संपन्न। आपको बताते चले कि बरेली में आज ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं मंत्रियों की बैठक में प्रदेश के मंत्री धर्मवीर प्रजापति, देवेंद्र शर्मा मंत्री, अनूप प्रधानमंत्री, धर्मपाल मंत्री, संजय सिंह गंगवार, ब्रज प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्गविजय सिंह साक्य ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विश्वास बढ़ा है और आने वाले 2024 में प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी। इस बार मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट दिया है। प्रदेश का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, इसीलिए कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। कार्य समिति की बैठक हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। इस बैठक में हमारी पूरे ब्रज क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश के पदाधिकारी जो ब्रज क्षेत्र में रहते हैं, MLA, MP, MLC, राज्यसभा के सांसद, ये सब लोग अपेक्षित हैं। इसमें हम लोग जो अभी तक हमारे काम हुए हैं उनकी समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं। ऐसी ये बैठक आज यहाँ है। प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी का मार्गदर्शन हमको मिलेगा। आदरणीय महामंत्री श्री सुनील बंसल जी का भी हम सबको मार्गदर्शन। इसमें जनता का लाड़ प्यार है, हमारे नेतृत्व के प्रति भरोसा है और इसलिए मैं जनता का आभार व्यक्त करूँ। देखिए, ब्रज क्षेत्र की बैठक है और ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये बैठकें हो रही है। माननीय मोदी जी के 9 वर्ष का जो स्वर्णिम समय रहा है जनता के लिए उस पर, और लोकसभा का चुनाव आगे रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीते, मोदी जी की नीतियों पर पुनः फिर मोहर लगे, इस संबंध में बैठक। देखिए, जनता का भरोसा टिका है। माननीय मोदी जी ने जो कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही कारण है कि मुसलमानों ने भी इस बार माननीय मोदी की नीतियों पर भरोसा करके अपना मत व्यक्त करते हुए समर्थन दिया। 24 की तैयारी में फिर माननीय मोदी जी प्रचंड भाव से देश के प्रधानमंत्री बने।